आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, धर्मपुर गांव में एक आदमी राम औजार चक्की वाला रहता था। पूरा गांव अपना अपना आटा उसी से पिसवाते थे। राम औजार का एक छोटा सा परिवार था, एक बीवी, दो बच्चे और उसकी एक बूढ़ी माँ। राम औजार अपनी पत्नी अंजना, अपनी सासू माँ की बहुत ही ख्याल रखती थी। उसके साथ ही साथ अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवा लेती। राम औजार के साथ जाकर कभी खेतों का काम करती तो कभी चक्की पर आकर उसकी मदद करने की सोचती, पर राम औजार उसे कभी भी चक्की पर हाथ नहीं लगाने देता। बड़े प्यार से कहता कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी से थोड़ी ना काम करवाऊंगा। वो भी ऐसी जगह जहां से लक्ष्मी माँ की कृपा मुझ पर बरसती हो। कभी कभी खेतों के काम से लौटकर चक्की का काम संभालना राम औजार के लिए मुश्किल होता था। उस वक्त अंजना हमेशा यही सोचती थी कि काश वो भी कर सकती आटा पीसने का काम, तो राम औजार की मदद हो जाती। जो भी था, दिन हंसते खेलते गुजर रहे थे, फसल भी अच्छी हो रही थी और चक्की का काम भी अच्छा चल रहा था। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता से राम औजार के और उसके परिवार के ऊपर भी बड़ी कृपा थी। वो बहुत ही मेहनती आदमी था, काम ज्यादा पड़ने पर रात दिन एक कर देता। दिवाली नजदीक आ रहे थे, लोगों को अपने अपने घरों में बहुत सारे पकवान बनाने थे, जैसे कि बेसन के लड्डू, गोल गोल चकली, सेव पापड़ी और भी कई सारी चीजें। इन सब के लिए लगने वाला आटा गांव की औरतें राम औजार के पास ही पिसवाते थे, क्योंकि उसे पता था कौन सा आटा कितना बारीक पीसना है और कौन सा आटा दरदरा। राम औजार अपनी पूरी लगन से काम करता। काम बढ़ जाने की वजह से वो दिन रात काम कर रहा था, सोने का वक्त भी उसे नहीं मिलता था। एक रात जब अंजना राम औजार के लिए खाना लेकर चक्की पर आई तो उन्होंने कहा, दो रोटी खा लो, उसके बाद काम कर लेना। राम औजार जो कि तैयार नहीं हुआ, उसने कहा, काम बहुत बढ़ गया है, दिवाली नज़दीक आ गई है और सभी को अपना अपना आटा चाहिए। अगर आज रात तक मैंने सारा आटा तैयार नहीं किया तो लोगों के घर में पकवान कैसे बनेंगे। और फिर पत्थर लेकर अपनी मशीन पर टनटनाने लगा। उसी वक्त अंजना ने राम औजार को हाथ पकड़कर बाहर खींच कर लाया और कहा, दो रोटी खा लो, तब तक ये टनटन का काम मैं करती हूँ। आटा ही तो पीस रहे हो, कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम घर पर भी पीस लेते हैं। राम औजार हंसने लगा। उन्होंने कहा, देखो मैंने ये चना दाल डाल दिया है, बस तुम पत्थर को ऐसे रगड़ते रहना ताकि कहीं आटा चिपक ना जाए। मैं फटाफट दो रोटी खा लेता हूँ और फिर आ जाऊँगा। राम औजार ने बाल्टी से पानी निकाल कर हाथ मुँह धोया, रोटी का गट्ठर खोलकर सब्जी रोटी खाने लगे। इतने में ही उन्हें किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे ओ राम औजार, तनिक यहाँ आओ यार, देखो अंधेरी की वजह से ठेला कीचड़ में धस गया है, भाई जरा हाथ लगा दो। राम औजार ने अपनी रोटी वहीं रखी और चला गया ठेले वाले की मदद करने। जैसे तैसे कीचड़ से ठेला बाहर निकाला। राम औजार ठेले वाले से बात करने लगे। दिवाली के दिन थे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, बस उसी की बातें हो रहे थे। यहाँ अंजना ने पूरी दाल पीस ली थी, उसने सोचा दूसरा थैला भी डाल देती हूँ, राम औजार आएगा तो खुश हो जाएगा। और वैसे भी ये कितना आसान काम है, इतना सोचकर वो जैसे ही अगला थैला लेने के लिए झुकी, अंजना की साड़ी पट्टे में लिपट गई। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की पर खुद मोटर से टकरा गई
और उनके शरीर के चीथड़े चीथड़े होकर चक्की घर में पूरी तरह से फैल गया। पूरा चक्की घर सफेद आंटों पर लाल लाल खून के निशान से रंग गया था। बहुत ही भयानक मंजर था। राम औजार लौट कर आया और जैसे ही उसने रोटी हाथ में ली और अंदर की तरफ आवाज लगाते हुए बोला, हो गया क्या? जैसे ही उसने अपनी नजर फिराई, वो भौचक्का होकर देखने लगा, जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगा। चक्की चले जा रहे थे और खून के छींटे उड़ रहे थे, लेकिन अंजना के जान कब की जा चुकी थी। आज अंजना को मरे हुए 7 साल हो गए हैं और आज भी जब दिवाली के 3 दिन पहले राम औजार खाना खाने बैठता है तो बंद चक्की भी अपने आप ही चलने लगती है, अपने आप ही उसमें से आटा निकलने लगता है और अचानक से चारों ओर एक चीख गूंजती है और पूरा चक्की घर लहूलुहान हो जाता है। पिछले कई सालों से राम औजार दिवाली में आटा नहीं पीसता, बल्कि 10 दिन अपनी चक्की को बंद ही रखता है। फिर भी यह घटना ज्यों की त्यों ही घटती जा रही है। आज तक कोई भी समझ नहीं पाया, अंजना तो 7 साल पहले मर चुकी थी, तो फिर दिवाली से 3 दिन पहले क्या उसकी आत्मा हमेशा इस चक्की पर मरती है? आखिर क्यों होता है चक्की पूरी तरह से लहूलुहान? क्या उसके खून के कतरे आज भी वहां होने का एहसास दिलाते हैं? पर आज भी लोग कहते हैं कि दिवाली से पहले वो आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 10 बज रहे थे और विराट तापी नदी के पास पड़ने वाले उकई जंगल के अंदर के रास्ते से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक घना अंधेरा छाया हुआ था। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। विराट अपनी 2-व्हीलर गाड़ी को खाली सड़क पर पूरी रफ्तार से भगाए जा रहा था कि तभी बीच सड़क में अचानक उसके गाड़ी का टायर पंचर हो गया। विराट को जब इस बात का एहसास होता है तो वो गाड़ी की रफ्तार को धीमी कर लेता है और पीछे झुककर टायर को देखने लगता है। विराट गाड़ी के टायर को देखते हुए खुद से कहता है, अरे यार, इसको भी अभी पंचर होना था, अब इतनी रात में कहाँ इसको ठीक कराऊं? वैसे भी ये इलाका जंगल का है, इस जंगल को पार करना पड़ेगा। ये कहकर विराट दोबारा से आगे देखकर गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी अभी थोड़ी आगे बढ़ती ही है कि तभी विराट झट से गाड़ी का ब्रेक दबाकर गाड़ी को रोक देता है। गाड़ी के सामने बीच सड़क पर कोई बक्सा गिरा हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट के उजाले की वजह से वो बक्सा चमक रहा था। विराट उस बक्से को देखकर गाड़ी को रोक देता है और अपने आसपास देखने लगता है। जब उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता तो वो गाड़ी से उतरकर उस चमकीले बक्से के नज़दीक जाने लगता है। उस बक्से के पास पहुंचकर विराट उसे अपने दोनों हाथों से उठा लेता है और उस बक्से को गौर से देखते हुए अपने आप से कहता है, ये तो कोई गिफ्ट बॉक्स लगता है, लेकिन इस तरह बीच सड़क पर किसने रखा होगा? किसी के गाड़ी से गिर गया होगा शायद। खैर, घर लेकर चलता हूँ, खोल कर देखता हूँ, क्या पता इसमें कोई काम की चीज मिल जाए। इतना कहकर विराट उस गिफ्ट बॉक्स को उठाकर अपने पास रख लेता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अपने घर की ओर निकल जाता है। करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद विराट अपने घर पहुंच जाता है। घर आते ही सबसे पहले विराट सोफे पर बैठकर उस गिफ्ट बॉक्स को खोलना शुरू करता है। देखो तो जरा, आखिर है क्या इसमें?
ये क्या है, एक पेन ड्राइव? गिफ्ट में कोई किसी को पेन ड्राइव भी देता है? आखिर ऐसी कौन सी खास बात है इसमें? चेक करके देखता हूँ। अगले ही पल विराट उस पेन ड्राइव को उस बक्से से बाहर निकालता है और खाली बक्से को सोफे के एक तरफ रख देता है। जैसे ही विराट उस बक्से को नीचे रखता है कि तभी उस बक्से के पीछे की तरफ एक इंसानी पैरों का निशान उभर आता है, लेकिन विराट इस बात से पूरी तरह से अनजान था। विराट उस पेन ड्राइव को लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और उस पेन ड्राइव को टीवी से कनेक्ट करके दोबारा पीछे आकर सोफे पर बैठ जाता है। विराट रिमोट से प्ले का बटन दबा देता है और टीवी के अंदर का वीडियो स्टार्ट हो जाता है। टीवी में दिखाया जाता है कि विराट उस रास्ते पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला जा रहा है, तभी अचानक से विराट की मोटरसाइकिल पंचर हो गई। विराट पीछे मुड़कर मोटरसाइकिल का टायर देखता है और फिर वापस से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे वही बक्सा नजर आता है, उसके बाद वही सब जो कि विराट ने अभी कुछ देर पहले रास्ते पर किया था। मगर ये कैसे हो सकता है? विराट ने जो जो किया वो सब इस पेन ड्राइव में कैसे हो सकता है? विराट का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हैरानी के मारे उसके हाथ पैर वहीं पर जैसे जड़ हो जाते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसने देखा कि वीडियो में उसकी मोटरसाइकिल के पीछे कोई एक शख्स बैठा हुआ था। मगर विराट तो उस रास्ते से अकेला ही आ रहा था, तो फिर वीडियो में ये शख्स उसकी गाड़ी के पीछे कब बैठ गया? और अगर बैठा भी तो भी विराट को कुछ समझ में क्यों नहीं आया? खैर, विराट वीडियो को देखने लगा और फिर विराट अपने घर जब पहुंचा तो फिर वो शख्स भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आया। वीडियो में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। विराट को अब डर लगने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बला पीछे पड़ गई। उसने अपने घर को आसपास देखा, मगर वहां आसपास कोई भी उसके अलावा और नजर नहीं आ रहा था। मगर विराट को कहीं ना कहीं अब किसी और की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। वो डर रहा था, डर के मारे वो वहीं चुपचाप सोफे पर दुबका पड़ा था और आसपास नजर घुमाए जा रहा था। तभी अचानक से उसके कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया। विराट ने पीछे घूम कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, लेकिन अभी तो उसने कंधे पर हाथ महसूस किया था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो चुपचाप पेन ड्राइव को टीवी से खोलकर अपने कमरे में चला गया और फिर रजाई ओढ़कर दुबक कर सो गया। मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो चुपचाप रजाई के नीचे बिस्तर पर लेटा हुआ ही था कि तभी उसे ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे कोई उसकी रजाई खींच रहा हो। रजाई सरकती हुई उसके कमर तक पहुंची तो विराट ने वापस से उसे खींच कर ओढ़ लिया, मगर फिर दोबारा से वही हुआ। विराट को अब पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? मगर इस पर विराट को कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि एक बहुत ही डरावनी सी हंसी उसके पूरे कमरे में गूंज गई। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि विराट के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मगर उसे कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वापस से विराट के कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, मगर इस बार विराट ने जब पीछे घूम कर देखा
तो इस बार उसके सामने एक आदमी खड़ा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो वीडियो में विराट की गाड़ी के पीछे बैठकर उसके साथ साथ घर तक आया था। मगर उस आदमी की आंखें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी, उसकी आंखों में कोई काली पुतली नहीं थी और उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ, जुबान बाहर निकली हुई थी। ये देखकर विराट की सिट्टी बिट्टी गुल हो गए और फिर तभी उस आदमी ने अपने हाथ को विराट के पेट के भीतर घुसा दिया और फिर विराट के अथड़ियाँ बाहर आकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ीं। अगले दिन पुलिस को विराट की लाश मिली उसी के घर से। उसकी पेट की अथड़ियाँ बाहर ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मगर ये सब किसने किया पुलिस को कभी पता नहीं चल पाया। मगर वो जो कोई भी था उसका विराट से क्या लेना देना था ये आज तक कभी किसी को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अचानक एक तेज आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने उठकर देखा तो बगल की खिड़की खुली हुई थी और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और खिड़की हवा के कारण ही बार बार बज रही थी और शायद इसी की वजह से मेरी नींद भी टूट गई। मैंने उठकर खिड़की के पास जाकर थोड़ा सिर निकाल कर बाहर देखा तो बाहर का माहौल बहुत ही डरावना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। पेड़ एकदम जैसे एक तरफ झुक से हो गए थे हवा के कारण और बहुत ही डरावनी सनसनाती हवाएं जैसे कमरे के अंदर भी आ रहे थे। मेरा नाम राजीव है। इस घर में बस अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं और ये आज ये तूफान आ गया। मुझे ये घर बड़े ही सस्ते दाम में मिल गया। पता नहीं ये 2 मंजिला इमारत इतने सस्ते दाम में कैसे मिल गया। खैर हाँ थोड़ी सुविधाओं की कमी ज़रूर है। यहाँ से दुकान थोड़े दूरी पर है और हाईवे भी काफ़ी दूर है मगर मेरे लिए ये थोड़ा अच्छा ही है। मेरा काम लेखक का है और लेखक को ऐसी जगहों पर शांति मिलती है और शांति में ही तो लेखक का सारा काम होता है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी इसलिए मैंने ये घर खरीद ही लिया। मेरे इस घर के आसपास और कोई घर नहीं था सिवाय पेड़ों के और झाड़ियों के। साथ ही में एक छोटा सा जंगल भी था। छोटा इसलिए क्योंकि ये जंगल एक सड़क से होकर गुजरता था और उस सड़क से सटा हुआ था इसलिए वो जंगल ज़्यादा घना नहीं था। खैर मैं खिड़की से सिर निकालकर अभी बाहर की हवाओं का मज़ा ले ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक पेड़ के पास किसी चमकती सी चीज़ पर गई। मेरी नज़र उस चीज़ पर जैसे अटक सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना सिर निकालकर घड़ी में वक्त देखा तो पाया कि रात के 2:30 बज रहे हैं। इतनी रात गए भला उस पेड़ के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी चमक रही है वो भी इस घनघोर अंधेरे में। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने वापस अपना सिर बढ़ाकर नीचे झांका तो पाया कि वो कोई चीज़ तो है मगर वो अपने आप हिल भी रही है जैसे कोई इंसान हो मगर किसी इंसान का शरीर इतना तो नहीं चमक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं और गौर से देखने लगा तभी उस चीज ने वापस से अपना शरीर हिलाया। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान ही है मगर इतनी रात में कोई इंसान यहाँ पर क्यों ही आएगा। तभी उस चीज़ ने एकदम से अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि वो एक औरत है।
एक खूबसूरत औरत जो कि साड़ी पहने मेरे घर के ठीक नीचे ही खड़ी है, एक पेड़ के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन और यहाँ क्या कर रही है। तभी मैंने उसे आवाज लगाया, कुछ चाहिए आपको? मगर नीचे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि एक बार नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तभी मैं अपना शर्ट पहनकर चलते चलते नीचे उतरा और फिर अपने घर से बाहर निकला तो पाया कि वो एक औरत ही है जो एक पेड़ के पास खड़ी है। उसका सिर दूसरी तरफ था, मुझे सिर्फ उसकी पीठ ही दिख रही थी। मैंने वापस से उसे आवाज लगाई मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मैं चलते चलते उसके पास पहुंचा और मैंने फिर से एक बार आवाज दी, आपको कुछ चाहिए? तो वापस से भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये कोई बहरी तो नहीं है, कोई आवाज क्यों नहीं दे रही। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने हाथ रखा कि एकदम से मेरा हाथ नीचे को सरक गया और उसके शरीर के आर पार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है, किसी इंसान के शरीर के आर पार किसी का हाथ कैसे निकल सकता है। तभी वो औरत एकदम से पीछे मुड़ी और उसका चेहरा देख मेरी सिट्टी बिट्टी कुल हो गई। उसकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे से जैसे खून टपक रहा था। उसका सर एक तरफ से पूरा फटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बला है। मैं ठिठक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो औरत एकदम से मेरे करीब बढ़ने लगी। तभी मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही वो औरत एकदम से दूर चली गई, जिसके बाद मैं भागता भागता अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर एकदम से अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये हुआ क्या। अगले दिन सुबह मैंने अपने मकान मालिक से इस बारे में बात की, तब जाकर उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक औरत ने आत्महत्या की थी। दरअसल वो उस घर की बालकनी से नीचे कूद गई थी। इसकी वजह तो कोई नहीं जानता, पर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। उस दिन के बाद ही मैंने तुरंत ही वो घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।